अभी रिस्क देख सकते हो क्या रहा है, क्या की नोटिस 14 साल की थी वाजपता ने सेट करी, 14 साल की थी वो बच्ची, देख सकते हैं उनके परिवारजन आज के वहां पर शासन में जाके बात कर, 14 साल की बच्ची थी, 27 साल का रेड था, आप जाके कानून कार्रवाई करो। अरे 14 साल की बच्ची में नहीं होता, इसने माइंड मेकअप कर दिया, 4 साल चार साल इसने माइंड मेकअप कर दिया, 14 साल 27 साल का खाकड़ है ये, 14 साल की थोड़ी नोई है भाई साहब। अरे जब तो 18 साल की कर दी इसने, पढ़ाई बर्बाद कर दी, अच्छे परिवार से थी वो, कहाँ जाती लड़की, कहाँ नहीं जाती, 14 साल की बच्ची के साथ आपने इसके घर गए हो, सारे भाई गए घर दिखा है, ये दो बच्चों का परवरिश कर देगा, ये बात गरीबी की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है, आपने शादी करी है, संतान उत्पत्ति करी है, आपकी जिम्मेदारी है तो करो, ये नहीं है सड़क पे फेंक दोगे, सड़क पे फेंक दोगे, सड़क के फेंक के बराबर है। आप इस लड़की हमारी जो बहन है उसको देख के ये कह सकते हो, उसको खिला रखा है पिला रखा है, क्या ज्योति अपनी जगह सही है जी। देख रहे हैं हरियाणा 1008 में दिनेश कुमार, फिलहाल मैं सिंगू गाँव में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रवीण जो है आज सिंगू गाँव में ज्योति के घर पे आ रहा है, आप देख सकते हैं और बहुत सारे जो है मीडिया कर्मी जो है वो साथ में जो है जी, अभी तो नहीं थी, बाकी एक बार ट्राई और करता हूँ, दो गेट है उनके, पिछली गली में भी और अगली गली में भी, रिस्क है भाई फिर इसमें तो कोई रिस्क नहीं, अपने बच्चों के लिए जान का भी रिस्क, क्या की नोटिस 14 साल की थी वाजपता ने सेट करी, 14 साल की थी 19 साल की, देख सकते हैं उनके परिवारजन आज के वहाँ पर शासन में जाके बात, 14 साल की बच्ची थी, 27 साल का रेड था, आप जाके कानून कार्रवाई करो, 14 साल की कानून कार्रवाई करो, 14 साल की लड़की के साथ, चौदह साल की लड़की थी जब इसने अफेयर चालू करा था उस लड़की के साथ, कोर्ट में शादी हो रही है जिनकी, अरे वो तो 4 साल इसने इंतजार करा ना उसका, अच्छा। क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया उसको, अच्छा। आपकी बहन बेटी 14 साल की होगी, अफेयर कर लेगी, उसका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा, हमारी बहन है, गाँव का हूँ मैं, ज्योति ने यहाँ पर दी, ज्योति वाली मैं उसके, आप कितने बंदे हो, 5-7 बंदे हो, आप ये बताओ उसके शिकल देख के आप कोई भी थोड़ा कह सको ही ना, कुछ खिलाया पिलाया होगा, मैं कह सकता हूँ, अरे चल ले, चल तू चल, पर चालन है, 27 साल का लड़का 24 साल की लड़की के साथ अफेयर करेगा, 20 साल की गेला करा रहे, 14 साल की लड़की थी वो, थोड़ा आराम से जो है मामले को निपटाएं, ये गांव के लोगों का जो कहना है वो आप देख सकते हैं सुन सकते हैं, और लड़का 27 साल का है, सुनो बात पूरी सुनो, जब आपने अफेयर शुरू करा तो बच्ची की उम्र थी 14 साल की और आपकी उम्र थी 27 साल की, क्या इस अफेयर को आप कहोगे ठीक अफेयर था, ठीक नहीं है, गलत था, लेकिन देखो वो तो गलत था, ठीक है, लेकिन लड़की की गलती थी या नहीं, सुनो आपने नीम गलत रख दी, ईव तो बड्डी हो रही है, लड़की की बड़ी तो गलती थी या नहीं थी, इन्होंने खिलाया पिलाया है 14 साल की बच्ची को, बहका लिया उस बच्ची को, कितने साल की होती है 14, कितने कौन सी क्लास की होती है जी, सरकार भी कहती है 21 साल का डेवलप होता है बच्चा, 21 साल की बच्ची, आपका नाम क्या है सर जी, की है वो अपनी बहन बेटी और अपनी बेटी, आपका नाम सुधीर, अरे ये 3 जने पाल लेंगे, ये रहे 3 जने, जिनकी माँ एक्सपायर हो जावे नहीं जीतेगे धरती पे, अच्छा। बच्चों के साथ है, इसके इसके बस का नहीं था एक परिवार को रखना, तो इसने शादी करनी जरूरी थी, उस बालक का उस आज तक ने दूध पिया होगा, उसका उसका बाबू का दूध पिया, दूध, अरे बच्ची को देखो आप भी तो आइडिया लगा, आप सारे बुद्धिजीवी हो, सारी न्यूज मैं सारी सबके चैनल देखता हूँ आपके, कई भाइयों कमेंट्स भी करा मैंने, सुनो तो सही, सुनो सही, आप अपना अपना ही तो दिमाग लगाओ ना, सारे आप सारे लोग इसका फेवर कर रहे हो, लड़की का पक्ष रखा है, जब आई कैमरे पे हमारा भाई गया था, हाँ गया था एक भाई, नु बोली बिला मैं आगरा जी हूँ उसका, ईब की कसर रहेगी, देखो वो क्या निक्रमिया भी बिराजी क्या करेगा जी, आप लोगों ने प्रेशर बनाया है, सुनो माइंड प्रेशर, मीडिया का प्रेशर बनता है जी, सुप्रीम कोर्ट तक प्रेशर जाता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है, मीडिया ने ट्रायल चला दिया जी, जी। आपने पता है ना इस बात का, हर सारी चीज बता आपने, बच्चों के साथ अच्छा सुनो, अब आप सुनो, बच्चों की खराब माटी है, वह घर चली गई, यो शराबी है, यो जुआरी है,
वो बिचारी अपने अंग बेच के करेगी कि बच्चों की परवरिश? अपने साथ रख सकती है तो कैसे रखेगी, माँ बाप कैसे रख लेंगे? अरे आप बताओ तो कहाँ से पिला देगी, उसने खुद दूध नहीं मिल रहा है एक माँ ने, उसका दूध उतरेगा क्यों? करे यार तुम सारे ऐसे आदमी हो, अनलॉजिकल बात करो और सिंगल साइड चल ले। अगर ज्योति को पता था कि ये सब गलत काम करता है तो उसने बच्चे पैदा क्यों किए? अरे भाई साहब जब आदमी फंस जाता है नहीं होती उतनी सूझबूझ, 14 साल की बच्ची में नहीं होता। इसने माइंड मेकअप कर दिया, चार साल इसने माइंड मेकअप कर दिया, 27 साल का खाकड़ है ये। 14 साल की थोड़ी नोई है भाई साहब। अरे जब तो 18 साल की कर दी, इसने पढ़ाई बर्बाद कर दी, अच्छे परिवार से थी, वो कहाँ जाती लड़की, कहाँ नहीं जाती? 14 साल की बच्ची के साथ आपने इसके घर गए हो, सारे भाई गए घर दिखा है, ये दो बच्चों का परवरिश कर देगा? ये बात गरीबी की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। आपने शादी करी है, संतान उत्पत्ति करी है, आपकी जिम्मेदारी है तो करो, ये नहीं है सड़क पे फेंक दोगे। सड़क पे फेंक, सड़क के फेंक के बराबर है। आप इस लड़की हमारी जो बहन है उसको देख के ये कह सकते हो उसको खिला रखा है पिला रखा है? क्या ज्योति अपनी जगह सही है जी? भाई साहब ज्योति अपनी जगह सही है। अरे यार बाकी तुम सारे समझदार हो, मैं सारी कौन सा चीज बताऊं? बाकी चौधरी बाबू जी लो, और यार थोड़ा सा बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं गांव के लोगों का जो क्या कहना है आप सुन सकते हैं। और जो प्रवीण जो है फिर वापस जो है वापस भाग रहा है, आप देख सकते हैं प्रवीण वापस जो यहां से जाते हुए। इतना काम खड़ा को बोल रहा बीरा सकल था, उसका मेडिकल करा लो जाकर, उन्हें बेरा चाल जाएगा। बाण बेटी है 19 साल की उम्र में मैंने ब्याह करा था, को पहला ना करा, वे दो बालक जाम दिए ना अपनी बाण बेटी दी, गिवे बालक ना दिखते। हम मैं कागज दिखा दूंगा ना, देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को, आप देख सकते हैं प्रवीण जो है, प्रवीण वापस जा रहा है। प्रवीण आप देख सकते हैं प्रवीण वापस जाते हुए, प्रवीण जो है वापस यहाँ से निकल पड़ा है। इसको जो है घर पे परिवार का कोई भी सदस्य इनको नहीं मिला है, जिस तरह से कहा गया था कि ज्योति हॉस्पिटल में है, अब ये नहीं पता कि वो किस हॉस्पिटल में मौजूद है। अब कहाँ जाओगे भाई साहब? प्लॉट है इनका इसी गली में आगे, प्लॉट है, प्लॉट पे नहीं होंगे तो खेत में, घर पे नहीं मिलेगा, घर पे नहीं है वो, वही प्लॉट पे जा रहा है, प्लॉट जो बताया जा रहा है प्लॉट पे प्रवीण जा रहा है। आप देख सकते हैं अब प्रवीण जो है प्लॉट पे जो है वो जाएगा अब यहाँ से। तो भाई आप देखते रहो, जुड़े रहो हरियाणा एक जराट पे, जुड़े रहो आप देखते रहो हरियाणा एक जराट है भाई। अभी जो है प्रवीण जो उसकी दादी के घर पे जो जाएगा वहाँ पे देखते हैं वो मिलती है या नहीं मिलती है, आप देखते रहो। हरियाणा एक जराट में लेता हूँ इजाजत, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।